एक पार्टी का रोड शो का कार्यक्रम था, जिसमें जब रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराणा प्रताप की चौक पे आए और चबूतरे पे चढ़े और कुछ पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किए और वहां पर कुछ नारेबाजी की, जिसमें यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उनको देखा जा रहा है और जो लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है, सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, उस पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था। और अब बढ़ते आगे, पाकिस्तान से भारत में सर तन से जुदा वाला प्लान नाकाम हो गया है। सूरत पुलिस ने एक ऐसे मौलवी को गिरफ्तार किया है जिसके निशाने पर हिंदूवादी नेता थे, जिसके लिए पाकिस्तान से 1 करोड़ रुपए देने की बात भी सामने आ रही है। मामले में अब सेंट्रल एजेंसियां मौलवी के कुंडली खंगालने में जुट गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तन से जुदा प्लान फेल। सूरत में रचा जा रहा था सनातन विरोधी खेल। सिर पर टोपी, बच्चों को मजहबी तालीम। इस शख्स को देखकर तो लग रहा है कि एक आम मौलवी है, लेकिन इस चेहरे के पीछे नापाक और खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन ये अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब होता उससे पहले ही ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सूरत से गिरफ्तार ये मौलवी सोहेल है। इसके निशाने पर हिंदूवादी नेता थे जिन्हें मारने के लिए मौलवी ने पाकिस्तान से संपर्क साध रखा था। वो लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स से बातचीत कर रहा था और इसके लिए वो वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। इस बात का खुलासा खुद सूरत पुलिस ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में किया है। पाकिस्तानी हैंडलर और एक नेपलिस हैंडलर चाहिए जी। और वहां से कंटिन्यूअसली जो हैंडलर है वो वेपन प्रोवाइड करने के लिए बात कर रहा था कि हम जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वैसे भी ये लोग 1 करोड़ रुपए भी इकट्ठा करने का पूरा उसमें डिस्कशन चल रहा था, और उससे पहले इनको जो नंबर कलेक्ट करके उनको थ्रेड करना और थ्रेड में वर्चुअल नंबर को यूज करना जिससे कि लोकेट ना हो पाए। और सोहेल के निशाने पर नुपुर शर्मा, टी राजा और उपदेश राणा समेत 4 लोग थे। पुलिस ने इस बात का खुलासा तो किया ही है, अब इसके नापाक मंसूबों की चैट भी सामने आ गई है जो पाकिस्तानी हैंडलर और सोहेल के बीच की बताई जा रही है, जिसमें उपदेश राणा को मारने के लिए 1 करोड़ देने की बात कही जा रही है। चलिए आपको उस वायरल चैट से क्या बात हुई ये बताते हैं। कॉल किया आपको, इसको उड़ाना है, बोल कर पाओगे, काम पैसा एक खोखा, ये तुमको लॉक करना है। मतलब काम कब करोगे, अगर आज कल में करोगे तो इस वक्त ये गुजरात में है। इतना ही नहीं, चैट में तेलंगाना के हिंदूवादी नेता राजा सिंह का भी जिक्र है। चैट में नंबर वायरल होने को लेकर बातचीत चल रही है। भाई तुम्हारा नंबर वायरल कर दिया ढक्कन ने, इंस्टाग्राम पर डाल दिया, अभी राजा सिंह को जो धमकी दिया था वो वाला वीडियो अब भक्त तुम्हें परेशान करेगा, टेंशन ना लो, दोबारा फेक नंबर बना कर आएंगे। सूरत पुलिस के हाथ खुफिया जानकारी के बाद मौलवी सोहेल की गिरफ्तारी तक पहुंचे हैं। फोन में कई अवैध गतिविधियों की जानकारी और दस्तावेज मिले हैं। मौलवी के ग्रुप में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, कजाकिस्तान के लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, पुलिस चैट खंगालने के बाद ये भी दावा कर रही है कि आरोपी को पाकिस्तान के हैंडलर ने भरोसा दिया था कि वो जल्द से जल्द मौलवी तक हथियार पहुंचा देंगे। हथियार दिलाइएगा, आप हमला करो, मुझे लेना तो है एक गन जी। जो नंबर हमें पाकिस्तान और नेपाल के मिले वो किसके नंबर से जी, उसके लिए भी कर रहे हैं। और दूसरा, कॉन्फिडेंटली बोल भी रहा है और ये चूंकि इतना ज्यादा रेडिकलाइज है, उसके जब डॉक्यूमेंट्स देख के बातें करके लगता है, इसलिए हमें अदर एजेंसी से भी इसमें हम लोग हेल्प ले रहे हैं। सूरत पुलिस मामले में सेंट्रल एजेंसियों की मदद ले रही है और मौलवी की सारी कुंडली खंगालने में जुट गई है। इतना ही नहीं, कट्टरता फैलाने
बचाने की कोशिश में जुटे मौलवी के मददगारों की तलाश कर रही है, लेकिन सीमा पार से भारत विरोधी प्लानिंग फेल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है मौलवी सूरत का रहने वाला है मौलवी सुहेल। मौलवी सुहेल एक कंपनी में मैनेजर है, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देता है सुहेल। मौलवी सुहेल की उम्र 27 साल की है, कई दिनों से अवैध गतिविधियों में शामिल था। मौलवी सुहेल के मोबाइल की जांच की जा रही है, सुहेल के मोबाइल से कुछ दस्तावेज मिले हैं, दस्तावेजों में 4 लोगों को मारने का जिक्र है। आपको यह भी बता दें, उपदेश राणा को मारने की धमकी का जिक्र इस मैसेज में है। धमकी मामले में मार्च में FIR दर्ज की गई थी, इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी। सुहेल पाकिस्तान हैंडलर के बराबर संपर्क में था, पाकिस्तानी हैंडलर से हथियार मांग रहा था सुहेल, 1 करोड़ रुपए जुटाने की बात चल रही थी। इसके टारगेट पर नुपुर शर्मा, टी राजा जैसे कई लोग थे। नंबर जुटाकर धमकी इनके द्वारा दी जा रही थी, वर्चुअल नंबर के जरिए धमकी दी जा रही थी, पकड़े न जाएं इसके लिए वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल सुहेल के द्वारा किया जा रहा था। तो आखिर यह है मौलवी सुहेल जिसके द्वारा इस तरह की साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा हुआ। और इस बीच आपको बता दें कौन है मौलवी सोहेल। दरअसल आरोपी की उम्र 27 साल बताई जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि धागे की फैक्ट्री में यह मैनेजर बताया जा रहा है। इसके अलावा आरोपी मदरसे में भी पढ़ाता था, यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। मुस्लिम बच्चों को ट्यूशन देता था, लेकिन अब यह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इसे क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा और बड़े खुलासे की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इसका बड़ा प्लान था कि कैसे हिंदूवादी नेताओं को टारगेट करना है, लेकिन अब यह धर दबोचा गया है। पाकिस्तान से कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है, इसके अलावा कई और देशों से चैट भी निकलकर सामने आ चुकी है। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवध दौरे की, जो 22 मार्च को हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम लला के दर्शन करेंगे और उसके बाद भव्य रोड शो में शामिल होंगे। तो PM के दौरे को लेकर अवध नगरी किस तरह से सज धज कर तैयार है, वो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मंदिर में भी विशेष साज सज्जा की गई है, तो पूरे अयोध्या में आपको हर जगह सजावट नजर आ रही है। फूलों से पूरे अयोध्या नगरी और रोड शो के रास्ते को सजाया सवारा गया है। और चलिए हम सीधे रुक करते हैं अयोध्या ग्राउंड से। हमारी सहयोगी अनामिका काली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अनामिका, आप वहां पर मौजूद है। 22 जनवरी के बाद ये पहला दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, एक बार फिर से रामलला से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अभी क्या तस्वीरें वहां से दिखाई दे रही है अनामिका? आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है पूरे देश के लिए, क्योंकि PM मोदी आज अयोध्या में एक बार फिर से दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका होगा जब PM मोदी की मौजूदगी यहाँ पर होगी। PM मोदी यहाँ पर पहले पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे और ठीक यहीं से भगवान राम के दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। रोड शो यहाँ से निकल करके जाएगा लता मंगेशकर चौक तक, यानी कि ये जो आप पूरा का पूरा रास्ता देख रही है, इसी रास्ते पे जहाँ भी आपको लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, इसी रास्ते पर होते हुए PM मोदी सीधे जाएंगे लता मंगेशकर चौक तक। 2 किलोमीटर का पूरा ये लंबा सफर होगा PM मोदी का, और शायद यही वजह है कि आपको जगह जगह बैरिकेटिंग और जगह जगह जो लोगों की भारी भीड़ है वो देख पा रही होंगी। PM मोदी अयोध्या जब जिस तरीके से आ रहे हैं, चूंकि उस समय मौका कुछ अलग था, इस समय मौका कुछ अलग है। इस समय मौका चुनाव का है। लल्लू सिंह यहाँ से प्रत्याशी है BJP की ओर से, जो पुराने सांसद भी यहाँ पर रहे, तमाम कामकाज भी उनकी ओर से किए गए हैं, और इस बार मंदिर का मुद्दा भी जोर शोर से गूंज रहा है। लिहाजा चुनावी मौसम में PM मोदी की मौजूदगी अयोध्या में बहुत बड़ा संदेश देने वाली है, कम से कम यहाँ से लेकर के पूरे पूर्वांचल में, या यूं कहे तो अवध क्षेत्र में। और शायद यही वजह है कि आज PM मोदी के रोड शो को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई है। सीधे रुख करते हैं सृष्टि का, सृष्टि भी जुड़ी हमारे साथ अयोध्या से। सृष्टि, आज पूरी अयोध्या राममय दिखाई दे रही है, PM मोदी कुछ देर में आने वाले, भव्य रोड शो करने वाले हैं, क्या तैयारियां देख पा रही हैं?
बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा और वीआईपी गेट भी सजा दिया गया है जहां से प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे वो भी दिखाया, लेकिन ये मुख्य द्वार की तस्वीर है क्योंकि इसी द्वार को देखने के लिए लोगों की आंखें तरसी हैं। और आप देखिए कि लंबे समय के बाद जब मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, इसलिए दौरा काफी अहम हो जाता है। ये मुख्य द्वार है जिसे सजाया गया है, लोगों के दर्शन पूजन के लिए अभी सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन शाम को 7 बजे का समय बेहद अहम होने वाला है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, मंदिर जाएंगे, वहां से दर्शन करेंगे और इसी रास्ते से आपको बता दें मुख्य द्वार से प्रधानमंत्री मोदी रोड शो की शुरुआत करेंगे और लता चौक तक जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी। एक बार पीछे की भी तस्वीर आप दिखा दीजिएगा पंकज, किस तरीके से जो बैरिकेड्स किया गया है उसे भी भगवा रंग से रंग दिया गया है, तो पूरी अयोध्या एक बार फिर से भगवा रंग में रंगी हुई यहां पर नजर आ रही है। चारों तरफ अयोध्या को इसी तरीके से सजाया गया है, ये मुख्य द्वार की तस्वीर है। बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं, बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग आए हैं दर्शन के लिए, आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, आपको पता चला होगा कितने उत्साहित। हम बहुत उत्साहित हैं और हमको आज पहली बार लाइफ में मोदी जी को देखने का मौका मिलने वाला है, उस बात को लेकर हम और ज्यादा हर्षोल्लास है। हम 7 बजे सामने साइड में खड़े रहेंगे और मोदी जी के हम दर्शन लेंगे और दर्शन, अच्छा राम जी के दर्शन के साथ मोदी जी के भी दर्शन करेंगे। तो आज देखिए मोदी जी पहुंच रहे, इधर भी आंटी आपसे भी बात करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो उत्साह है लोगों का कम नहीं है, बहुत है। और राम जी के दर्शन हुए और मोदी जी, और आज मोदी जी के दर्शन हो रही है, इट्स अ ब्लास्ट फॉर अस, सुपर। ये देखिए लोगों की भावनाएं हैं और ये रास्ता लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन 7 बजे का समय जैसा यहाँ के लोग लगातार कह रहे हैं कि अहम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और लोग राम जी के दर्शन के साथ साथ पहली बार प्रधानमंत्री को भी देखेंगे, ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। अनामिका भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, अनामिका क्या तस्वीर है? और देखिए जो तस्वीर है वो आज पूरे देश में मैसेज देने वाली, क्योंकि पीएम मोदी आज यहीं से रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि अभी जो सामान्य भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं उनको रोका नहीं गया है, उनको मना नहीं किया गया है, क्योंकि अभी शाम 7 बजे पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। इसके पहले जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप लोग कहां से आए हैं? हम मुंबई से आए हैं और ये वर्धा से, नागपुर के पास वर्धा। नागपुर से आए हैं आप और आप मुंबई से आए? हम मुंबई से आए हैं। दर्शन हो गया आप लोगों? अभी हमने दर्शन किया और अभी हमको पता चला कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, और ये भी पता चला कि वो यहाँ से दर्शन लेके आएंगे और यहाँ से पब्लिक शो शुरू होने वाला है, तो हम 7 बजे तक सामने धूप में खड़े रहेंगे। दूसरा हमारे लिए एक उत्साह की बात यह है कि आज हमारे रामलला के पहली बार मंदिर में दर्शन हुए और आज हम पहली बार मोदी जी के दर्शन करने वाले हैं। आज राम जी के दर्शन हो गए, मोदी के दर्शन करने वाले हैं, आप लोग कितना उत्साह लग रहा है आप लोगों को? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह। जय जय श्री राम मोदी। लोग बताइए पीएम मोदी को देखने का उत्साह है? मंदिर में पूजा अर्चना तो हो गई, इंतजार करना है पीएम मोदी के लिए भी? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो यही रहेंगे मोदी जी को, हमारी ट्रेन है लेकिन हम ट्रेन कैंसिल करेंगे, बस से जाएंगे।